हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आज आप देखेंगे ऑटो कैड ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर में रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है आपके सिंपल सपोर्टेड बीम। इस बीम की डिटेलिंग हम ऑटो कैड में करेंगे, टेक्निकल पार्ट नहीं होगा इसमें, केवल ऑटो कैड की बात करेंगे। इस ड्राइंग में क्लियर नहीं है कुछ डायमेंशंस, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, बीम है हमारे पास और फिर उसके अंदर रिइंफोर्समेंट है, फिर उसी बीम के दो क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हैं जिनको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा और उसी डायमेंशंस के हिसाब से हम ड्राइंग को बनाएंगे। कुछ डाटा यहाँ पे अभी है गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप इस तरह की ड्राइंग बनाएंगे ऑटो कैड में, सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे। तो यूनिट सेट के लिए DWG ड्राइंग, DWG मीन्स ड्राइंग, UN यूनिट एंटर करेंगे। यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, हमें MM यानी MM में यूनिट चाहिए, तो हमें 3 टाइप करना है, 3 एंटर। उसके बाद पूछेगा कि साइंटिफिक चाहिए कि डेसिमल, हमें डेसिमल चाहिए इसलिए 2 प्रेस करना है, एंटर। उसके बाद पूछ रहा है प्रिसाइज कितना चाहिए, हमें 2 पॉइंट तक चाहिए, 0 के बाद एंटर। उसके बाद बस एंटर 3-4 बार कीजिए और स्केप बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, लेयर्स बनानी होंगी, हमें लेयर्स में काम करना है। सबसे पहले इसमें डिफ़ॉल्ट एक ज़ीरो लेयर है, हम एक लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बीम, एक और लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टील, एक और लेयर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम टेक्स्ट। बस 3 लेयर में हम काम करते हैं इसमें। बीम का कलर होगा आपका ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं, ब्लू। स्टील का कलर होगा आपका रेड और टेक्स्ट होगा आपका येलो। ओके, तो सबसे पहले बीम पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टिक लग जाएगा डबल क्लिक करने से। इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, एल कमांड लेते हैं लाइन, यहाँ से हम बीम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, F8 दबा के हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे और जो हमारे बीम की विड्थ है वो है 4900 mm, हमने mm यूज़ किया, 4900 mm, एंटर। ये लाइन बन गई। अब हमें इसकी डेप्थ बीम की बनानी जो है हमारी 300 mm, उसके बाद फिर स्ट्रेट इसकी लेंथ 4900 और इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा बीम बन गया है। एक लेयर और बनानी थी हमें सपोर्ट के लिए, तो एक लेयर और बना लेते हैं सपोर्ट। ठीक है, अब इस सपोर्ट को एक्टिवेट करते हैं और इसका कलर भी कुछ डिफरेंट रखते हैं, ग्रीन रख लेते हैं। ठीक है, एक बार ड्राइंग देखते हैं हम। देखिए, सपोर्ट्स हैं दो यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट की विड्थ आपको 200 mm गिवन है बट इसकी डेप्थ गिवन नहीं है, तो हम डेप्थ कुछ भी ले लेते हैं। अगर हम देख के लग रहा है कि हमें 500 के करीब डेप्थ है तो 500 हम इसकी डेप्थ ले लेते हैं। ठीक है, और 200 इसकी क्या है विड्थ। तो एल एंटर, यहाँ से हमने लिया 500 डेप्थ, 200 विड्थ और यहाँ पे हमने इसे क्लोज कर दिया। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे बार बार ले रहा है, तो इसका स्नैप हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। और ये दोबारा लाइन कमांड लेंगे हम, स्नैप ऑन करते हैं, स्नैप ऑफ करते हैं। ये कितना लिया हमने, 500, 200 एंटर और ये क्लोज। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं हो रहा तो यहाँ क्लिक किया और TR डबल एंटर ट्रिम से हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, दो सपोर्ट बन चुकी है। अब हमें बनाना है यहाँ पे, देखिए ये कंटिन्यूस का सिंबल ये बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम करते हैं, लाइन कमांड लेते हैं और इसी से बन जाएगा, ऑर्थो ऑफ कर देते हैं हम एक बार और देखते हैं कैसे बनाए। ठीक है, थोड़ा और जूम करके आराम से बनाते हैं। इस तरह से बना दीजिए और फिर ट्रिम से थोड़ा इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी सपोर्ट को बनाते हैं हम, लाइन कमांड इस तरह से, TR डबल एंटर और ये सब आप ट्रिम कर दीजिए।
ये बन गया। अब हमें हैच कमांड से है ना, ये जो हैचिंग हो रही है ये बनानी है। तो एच ए एंटर, हम सेलेक्ट करेंगे सपोर्ट, एंटर, ये हमारी हैच लग चुकी है। अब इस हैच को एडिट करना है, डेंसिटी ज़्यादा है तो एडिट के लिए एच ई एंटर एडिट करते हैं। यहाँ पे स्केल बढ़ा देते हैं 50, और यहाँ पे पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न है आपका, इस टाइप का पैटर्न ले लेते हैं। डेंसिटी हमारी ज़्यादा कम हो गई है तो हम एच ई से एंटर करके दोबारा एडिट करते हैं, उसको करते हैं 20। 20 भी हमारी ज़्यादा है, इसको करते हैं 5। ठीक है, तो हमारी सपोर्ट बन चुकी है। सपोर्ट के बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या बनाना है, हमें रेन्फोर्समेंट। अब देखिए रेन्फोर्समेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारा 25 mm का गैप है क्योंकि हमारा क्लियर कवर 25 mm का है। ठीक है, ऊपर भी 25 mm का है। यहाँ पे हमें एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो स्टिरअप के बीच में स्पेस है ये है आपका 200 mm। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 100 mm, ये है आपका 100 mm। ठीक है, और ये मान लेते हैं 50 mm, 50 mm का ये गैप। ठीक है, इस तरह से हम बना के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेयर कमांड में जाके हम स्टील को एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, ओक से होता है ऑर्थो ऑफसेट, एंटर हम किया, इस लाइन पर क्लिक करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम स्नैप के सारी चीज़ें ऑन कर लेते हैं। स्नैप, ओके ओके, ओ ऑर्थो, यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर ले गया, 25 टाइप किया, एंटर, क्योंकि गैप जो है, स्पेस जो है 25 है, इस पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रहा, और इस पर क्लिक करके नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमने लेयर एक्टिवेट की थी स्टील, जिसका कलर था रेड, पर ये रेड नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे कोई लाइन बनाना हो तो रेड आ रहा है क्योंकि हमने ऑफसेट इसी से लिया है। तो हम क्या करेंगे, मैच कमांड, ma मैच कमांड लेंगे और इस रेड से मैच करा देंगे, तो ये लेयर रेड में चला जाएगा, इसको हटा देंगे बाद में। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या करना है, हमें 50 mm पहले लेना है ऑफसेट, इसको 50 mm, 50, उस 50 के बाद एक स्टीरअप होगी हमारी 100 की। ठीक है, ये मैंने कहा था, उसके बाद 200 200 स्पेसिंग, इस ऑफसेट इस लाइन से 100, और ये सॉरी ये भी 50 हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, ये 100 हो गया। अब क्या करना है, टी आर डबल एंटर, इसको हम कर देंगे क्लोज, इरेज। मैंने जो कहा था, ये कहा था कि हम यहाँ पे ये गैप ले लेंगे 50, ये, और ये गैप ले लेंगे 100, उसके बाद 200 200 की स्पेसिंग हमारी पता है, हमें स्टीरअप की है। ठीक है, तो ओ एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिम कमांड लेते हैं डबल एंटर वाला, और इसके एजिस को यहाँ से क्लोज करें। ठीक है, अब हम ओ कमांड लेते हैं ऑफसेट, इस पर क्लिक करते हैं, और कितनी स्पेसिंग चाहिए, 200 200। अब इसको यहाँ क्लिक करेंगे, 200 की स्पेसिंग आ गई। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मल्टीपल का आ रहा ऑप्शन, इस पर क्लिक करना आप, और उसके बाद फिर आपको बस क्लिक करने की ज़रूरत है। अच्छा, स्टीरअप भी हमारे ब्लू बन गई है ना, दरअसल ये ब्लू नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि ये हमारी रेड में है। तो हम मैच प्रॉपर्टी करेंगे, ma मैच, पहले रेड पे क्लिक करेंगे, फिर एक यहाँ से कॉर्नर से लेके सारी सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गई। ठीक है, यहाँ से एक जो हम एक स्टीरअप बनाएंगे वो 50 की बन 100 की बनाएंगे, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमें कितना, 50 का गैप देना है। कुछ नहीं कर रहा मैं, केवल ऑफसेट का कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ये, और टी आर डबल एंटर,
और इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी स्टीरअप हो गई, सपोर्ट हो गई, बीम हो गया। नेक्स्ट क्या है इसमें? ओके, एक और हमारा इसमें रिइंफोर्समेंट है ये, जिसमें 900 स्पेसिंग है यहाँ पे, और फिर 45 डिग्री पे ये आपका एंगल उठा हुआ है, 45 सॉरी ये होगा, ठीक है, 45 डिग्री। अब इसको हम यूज़ करते हैं, उसके बाद ये रह जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओ सेट, इस लाइन को लेते हैं 20 mm, ऑफसेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 900 mm कटिंग है, तो हम लाइन लेते हैं एक रेफरेंस के लिए, यहाँ से 900 और ये ऊपर, ये केवल रेफरेंस के लिए है। इसी तरह यहाँ से 900, ठीक है, TR डबल एंटर, इसको हमने किया और इसको हमने किया। अब हम इरेज कमांड लेंगे और ये जो हमने रेफरेंस लाइन ली थी केवल स्पेस लगाने के लिए, वहाँ पे 900 mm पे कट लगाने के लिए हमने इनको इरेज कर दिया, ठीक है। अब हमें लाइन कमांड लेना है और यहाँ से हमें 45 डिग्री ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे एंगल दिखा रहा है और यहाँ पे इस लेंथ की लाइन, तो लाइन तो आप बीम से बाहर निकाल दीजिए, बाद में यहाँ से ट्रिम हो जाएगी और टैब दबाएंगे आप तो ये एंगल पे पहुँच जाएगा हमारा कर्सर, और यहाँ हम टाइप कर देंगे 45 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमें चाहिए 45, ठीक है। तो टैब दबाया 45, टैब 45 एंटर, ये हो गया है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल यहाँ से मेजर कर रहा है, तो यहाँ 135 लेना पड़ेगा एंगल, यहाँ पर अगर 45 आपको करना है, ठीक है। तो टैब 135 एंटर। अब TR ट्रिम कमांड लेंगे, TR और ये ट्रिम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ट्रिम करनी है हमें, ये वाला बार, ये हो गया ट्रिम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? यहाँ पे ये आपका सेक्शन कट के लिए मार्क किया हुआ है, इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक्स एक्स है कि वाई वाई है आपका, तो सिंपल लाइन कमांड लेना है आपको, एक बार देख लेते हैं। ओके, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट एक तरीके से मार्किंग हो गई ना, तो मार्किंग के लिए हमने कौन सा लिया है, टेक्स्ट वाला ले लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। लाइन कमांड लेंगे, F8 ऑन करके एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ठीक है, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे F8 ऑफ करके, इस तरह से। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं जिससे साइज मेंटेन रहे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है डैश डैश वाली, तो लॉर्ड ये डैश डैश वाली लाइन ले लेते हैं हम और लाइन ड्रॉ करते हैं एक, सॉरी ठीक है, इस लाइन को क्या करेंगे हम डैश डैश लाइन, ये उसके बाद में करते हैं। सबसे पहले हैचिंग कर लेते हैं हम इसकी हैचिंग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉस सेक्शन बनाना है, उसके बाद हमें टैक्स ये डायमेंशंस लगानी है। तो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, उससे पहले दो क्रॉस सेक्शन है, दोनों का साइज सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है केवल नंबर ऑफ बार्स का। तो एक क्रॉस सेक्शन हम बनाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको और नंबर ऑफ बार कम कर देंगे। अच्छा, यहाँ नंबर ऑफ बार 5 हैं और यहाँ 3 हैं और इनका 18 डाया है, ठीक है। तो बीम बनाना है, बीम के लिए बीम वाली लेयर ले लेंगे हम,
एक्टिवेट कर ली VMware लेयर, लाइन कमांड लिया हमने और यहाँ पे बनाया हमने जो हमारी विड्थ है 250 है और जो डेप्थ है वो 300 है, 250 और एक क्लोज। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल है यानी कि डाया जिससे दिखा रहे हैं, जिसका डाया है 18 यानी कि 9 डालेंगे यहाँ पर रेडियस के लिए। ये आ गया हमारे पास इन्फोर्समेंट। अच्छा, इसमें डैश डैश लाइन आ रही हैं। ओके, तो हमें इसको सॉलिड लाइन करना होगा, सॉलिड, और मैं एक लाइन यहाँ खींचता हूँ सॉलिड की और मैच कर देता हूँ इससे प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी डैश डैश की लाइन हो गई थी। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब हमने क्या किया, सी ओ से कॉपी, सबसे पहले यहाँ पे 25 mm की स्पेसिंग दे लेते हैं, ऑफसेट 25 mm, क्योंकि 25 mm का क्लियर कवर है। और हम कॉपी करते हैं इस रिइंफोर्समेंट को, यहाँ से उठाते हैं F8 ऑफ करके यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, 25 mm ही लिया है हमने, यहाँ पे रख देते हैं सेंटर टू सेंटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एरे कमांड लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एरे में हमें करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में यहाँ पे डाउन की प्रेस करेंगे तो यहाँ सी ओ यूनिट, तो हमें यूनिट कितने चाहिए, 5 और रो में 1। ठीक है, ये रहा। और हमें एग्जिट करना है बेस पॉइंट यहाँ तक। मूव करा लेते हैं इसको यहाँ तक। इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं हम। थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है इसे हमें। ये हो गया, ऊपर हमारे 3 डाया थे, इसको सेलेक्ट किया और इसको उठा के रखा। एक थोड़ा सा नीचे था, आप देखेंगे एक थोड़ा सा नीचे था यहाँ पे और एक यहाँ पे था हमारा और एक हमारा यहाँ पे था। अब जो हमने ऑफसेट से बनाया है इनको इरेज कर देंगे और हम लाइन कमांड लेंगे और ये इस तरह से हमारा ड्राइंग में देख लेते हैं। ओके, इस तरीके से हमारा ये जा रहा है रिइंफोर्समेंट। F8 प्रेस कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हमें इनको मूव कराना पड़ेगा डाया को। ठीक है, अब इनको हैच कर देते हैं, सॉलिड से हैच करना है इन्हें। और इन्फोर्समेंट क्योंकि हमारा रेड था तो उसको रेड करेंगे, HE edit
यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं इसको ब्लैक, वैसे भी रेड करना है, मैं छोड़िए। तो हमें इसको रेड से मैच कराना है रिइंफोर्समेंट को। ये रहा आपका रेड। सब माउस की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं चीज़ों को मूव नहीं करा पा रहा हूँ। सिंपल इन चीज़ों को मूव कराना है थोड़ा सा, और एरे में भी थोड़ी दिक्कत हुई। थोड़ा माउस की दिक्कत की वजह से एरे कमांड भी सही से काम नहीं किया। वैसे अगर आपको एरे कमांड करना है तो देखिए, पहले मैंने एक सर्कल बनाया, फिर ए आर से एरे कमांड किया, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, तो एक आता है पाथ। राइट में पाथ ले सकते हो, यानी कि एक लाइन के सहारे वो आगे कॉपी होते जाएंगे पोलर में, सर्कुलर और रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल पाथ ले लेंगे, तो जैसे मैंने कोई लाइन ले ली ये, तो देखिए आप इस लाइन के सहारे सारे बन गए हैं। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें एक इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे केवल, तो हम क्या करते हैं इस पूरे को कॉपी करते हैं और एक यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे बार्स ज़्यादा हैं, नीचे हमारे कम हैं। हाँ, तो इसको कॉपी किया, यहाँ से उठाया और मैंने मैच करा दिया इनको, हैचिंग। एच ई से होता है हैच एडिट। इसको कर देते हैं सॉलिड, ओके, और हम मैच करा देते हैं इसका इससे। ये हो गया, नीचे हमारे बार कम होंगे, तीन बार हैं केवल। ठीक है, यहाँ भी हैच चला गया क्योंकि दोनों का सेम हैच था, तो हम क्या करते हैं इनको भी हैच कर देते हैं और एच ई से इनको एडिट कर देते हैं सॉलिड, और एम ए से इनको मैच करा देते हैं। ठीक है, अब हमें नीचे तीन बार चाहिए, तो कॉपी कर लेते हैं तीन बार सी ओ से, और यहाँ से सारे उठ के आ रहे हैं एक बारी में, तो सी ओ कॉपी। कॉपी के लिए हमें केवल सर्कल कॉपी कर लेते हैं। एक कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी यहाँ पे, और तीन बार है हमारे पास। ठीक है, इनको हैच कर लेंगे, इनको एच ई से एडिट कर लेंगे सॉलिड। ठीक है, और एम ए से इनको मैच करा देंगे, ये इस तरह से। अब आती है हमारी मेज़रमेंट के बारे, सारी चीज़ें हमें मेज़र करनी है। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है, तो मेज़रमेंट के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपने लीनियर कमांड ली और यहाँ से आप यहाँ तक की डायमेंशन देना चाहते हो, F8 प्रेस कर दिए सीधी लाइन, तो ये रही आपकी डायमेंशन। सबसे पहले हमें लेयर चेंज करनी है टेक्स्ट की, और टेक्स्ट की लेयर इसको हम मैच करा देते हैं टेक्स्ट से। ठीक है, यहाँ पे साइज़ बहुत छोटा आ रहा है टेक्स्ट का, तो इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे जाना है एनोटेशन, यहाँ पे इसमें मॉडिफाई, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ कर देते हैं 100, लाइन के सिंबल का साइज़, सिंबल जो है उसका साइज़ भी कर देते हैं 100। अब लाइन में ये इसका मतलब होता है आपका ये लाइन ऑफसेट, यानी कि इसको बढ़ाना, और इसका मतलब होता है इसको घटाना, यानी कि इस पे से। ठीक है, इसको कर देते हैं हम 50, और इसको भी कर देते हैं हम 50। ओके, सेट क्लॉज। ठीक है, अब सही आ रहा है, और भी इसमें हम चाहते हैं टेक्स्ट बीच में आए, तो हम इसमें एनोटेशन में जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट को बीच में लेके आना है, इस तरह से लाना है आपको टेक्स्ट को,
या फिर इस तरह से लाना है या फिर इस तरीके से लाना है, क्योंकि इस तरीके से लाना है अलाइनमेंट। ठीक है, अब कुछ भी चीज़ मेजर करनी है हमें, कोई भी डिस्टेंस, जैसे कि ये हमारा यहाँ किसे यहाँ का डिस्टेंस था आपका 900, क्लिक रॉन्ग हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 900 था। ठीक है, और यहाँ की स्पेसिंग थी हमारी 200, यहाँ की स्पेसिंग थी हमारी 250, और ये स्पेसिंग थी हमारी 300, और क्या डायमेंशंस हैं, इफेक्टिव सेंटर टू सेंटर है ना, तो सेंटर टू सेंटर निकालने के लिए हमें सेंटर लाइन खींचनी होगी, एक एल लाइन यहाँ से ले लेते हैं 500 है ना, और एक यहाँ से ले लेते हैं 100। अब इन दोनों का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, इफेक्टिव 4700। और कौन सी डायमेंशन है आपकी, अब लिखना है आपको चीज़ों के बारे में। ठीक है, जैसे कि अभी मेज़र कर लेते हैं, मेज़र क्या है इसमें, ये से यहाँ तक डिस्टेंस आपका 25, इधर मेज़र करते हैं, क्लिक ठीक नहीं हुआ है इधर, ओके टेक्स्ट का और चलते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। एम टी टेक्स्ट लिखेंगे, और जहाँ पर भी आपको कुछ लिखना है, जैसे कि है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्ट भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और इसको ओके करना है, इसका ओके काफ़ी दूर जा रहा है, सिंपली सपोर्ट टू बहुत छोटा आ रहा है, तो एस सी स्केल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको, ये रहा यहाँ पे। और अगर आपको मल्टी हेडर टेक्स्ट डालना है, जैसे कि ये है आपका, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से मल्टी हेडर F8 ऑफ कर देंगे, यहाँ कुछ लिखना है आपको 18 डाया बार, ये हो जाएगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप एस सी स्केल से, इस तरह से। तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इस तरह से आप ड्राइंग बना सकते हैं, थोड़ा फास्ट बनाया मैंने, थोड़ी गलतियाँ भी हुई, इस तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।